तो फाइनली दोस्तों हम सभी के बीच में आ चुका है अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म राम सेतु का ऑफिशियल टीज़र। दोस्तों इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं और पब्लिक भर भर के इस फिल्म को और इस फिल्म के टीज़र को ट्रेंड करवा रही है और काफ़ी ज़्यादा खुश है कि चलो फाइनली इस फिल्म का टीज़र आ चुका है। लेकिन अगर कोई खुश नहीं है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान हर बार टारगेट करता है इंडिया को और अब जाके वो बॉलीवुड के मूवीज़ को भी टारगेट करते हुए नज़र आ रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राम सेतु फिल्म का टीज़र आउट हुआ और ये भारत में ट्रेंड तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पे भी ये फिल्म ट्रेंड कर रहा है। वहीं से दोस्तों इस फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कही जा रही है। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्मों को बैन कर दिया गया है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान वाले गुस्सा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि फिल्में तो ऑलरेडी पाकिस्तान में नहीं चल रही हैं। उनको बस ये रिएक्शन दिखाना है, ये बताना है कि हम तुमको कितना नापसंद करते हैं, बॉलीवुड को कितना नापसंद करते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में अभी हाल फिलहाल कोई भी अच्छी फिल्म नहीं चलती है और पहले तो हमारी बॉलीवुड फिल्मों को देख देख कर ही उनका गुजारा होता था, लेकिन अब फाइनली जो है दोस्तों जब राम सेतु का टीज़र आ रहा है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं इस टीज़र पे। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि हर बार पाकिस्तान का ऐसा ही रिएक्शन रहता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें फिल्म की तो फिल्म रिलीज़ होने वाली है 25 अक्टूबर को और इसका टीज़र भी दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट में लिख के बताएं। सब्सक्राइब करें टॉप ओपन फैक्ट्स ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।